यहाँ शेयर मार्केट जैसी तेजी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आलू प्याज के बढ़ते दामों को लेकर बहस जरूर मिल जाएगी। यहाँ संतों की रहमत मिल जाएगी, रंगीन फिजाएं मिल जाएंगी, हरे भरे खेत मिल जाएंगे, बाग बगीचे मिल जाएंगे। जी हाँ, हमें यहाँ असली हिंदुस्तान मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है। सहारनपुर की नींव 1340 में मानी जाती है। सहारनपुर का नाम एक मुस्लिम संत शाह हरुण चिश्ती जी के नाम पर पड़ा है। सहारनपुर में हर बदलते रंग को साफ देखा जा सकता है। सहारनपुर के पूरे इतिहास को बताते हुए यहाँ के राज्यसभा सांसद काजी रशीद मसूद जी बताते हैं कि शाह हरुण चिश्ती साहब, जिनके नाम पर सहारनपुर का नाम रखा हुआ है, वो भी अपने जमाने के एक पाए के बुजुर्ग थे और सूफी थे। तो उसी के ज़माने से यह आपसी भाईचारा और मोहब्बत और प्यार का एक फिज़ा पैदा हुई है, जो आज तक भी सहारनपुर में चल रही है। फिर 1857 की जंग में आज़ादी की में मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही और उनके तमाम रफ़का ने उस लड़ाई में हिस्सेदारी की, उसकी वजह से वो फेमस रहा। बुनियादी तौर पर फिर आकर के ये लकड़ी की वुड कार्विंग की वजह से मशहूर हो गया। जो सहारनपुर का आज नाम है, वो वुड कार्विंग की वजह से पूरे हिंदुस्तान में है, क्योंकि ऐसे वुड कार्विंग सेंटर या तो कश्मीर में है एक आध जगह, या फिर सहारनपुर में है। यमुना नदी और गंगा नदी अपने पवित्र जल से सहारनपुर को पवित्र करते हुए आगे बढ़ती है। सहारनपुर की लगभग 70% भूमि खेती योग्य है। इसके अलावा सहारनपुर लकड़ी की दस्तकारी के लिए न सिर्फ भारत बल्कि विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। लकड़ी के इस व्यापार में यहाँ के छोटे व बड़े दोनों प्रकार के उद्योग बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं। यहाँ से बनी हुई वस्तुएं न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, कुवैत, सिंगापुर और मिडिल ईस्ट जैसी कई अन्य विदेशी देशों में एक्सपोर्ट की जा रही हैं। सहारनपुर में लकड़ी के उद्योग की तरह ही पेपर मिल, चीनी मिल तथा आयरन से संबंधित उद्योग भी काफी फल फूल रहे हैं। सहारनपुर आज देश का कोई अनजान शहर नहीं रह गया है। देश के औद्योगिक विकास और कृषि क्रांति में सहारनपुर का नाम मुख्य रूप से आगे ही गिना जा रहा है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है, असलियत जानकर हमें बेहद दुख होता है। छोटे छोटे कारीगरों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है और बड़े व्यापारियों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जिसके वे हकदार हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक मजदूर की। 20 साल काम करते हो गए, हमें मजदूरी जो है 150-200 रुपए से ऊपर नहीं पड़ती। इसमें हम जो है परेशान है, 5 लड़कियाँ मेरे, अब 5 लड़कियों का किराया का मकान है, बहुत परेशानी हो जाती है, किराया भी नहीं दिया जाता बजट है, बस यही परेशानी है। लकड़िया काम में रेट नहीं बढ़ रहे, मजदूरी नहीं पड़ रही। ऐसी कहानियां हर व्यापार में हजारों की संख्या में बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं। यह देखकर वाकई बेहद दुख होता है कि आज आज़ादी के 66 सालों बाद भी इंसान की कला को हम इज्जत और अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। इस पिछड़ेपन और दर्द के पीछे का मुख्य कारण ये निकल कर सामने आता है कि सहारनपुर आज भी तकनीक में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आज जब पूरा भारत इंटरनेट व आधुनिक तकनीक का फ़ायदा उठा रहा है, वहीं सहारनपुर जैसा शहर इस तकनीक के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है।
तकनीकी रूप से यह पिछड़ापन यहाँ के उद्योगों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचा रहा है। फुरकान हैंडीक्राफ्ट इस तकनीक का फायदा पिछले कई सालों से उठा रहे हैं। देखो पहले में और अब में तो काफ़ी अंतर आया है। पहले सारी बातें सिर्फ ख़त किताबत या टेलीफोन के ज़रिए होती, अब नया ज़माना आया तो वेबसाइट आई। तो वेबसाइट के आने से फ़ायदा ये हो गया कि जो काम हम यहाँ बैठ के कर सकते थे वो अब सीधा बाहर बैठ रहे हैं, वहीं से टेलीफोन पे वेबसाइट के ज़रिए जो भी काम हो रहे हैं उसके आने से तो काफ़ी फ़ायदा पहुँचा ही है वेबसाइट के आने से। बस वो हमारे यहाँ तालीम की कमी है, इस बेस पे लोग इसको समझ नहीं पा रहे, और जो लोग इसको जानते हैं जो समझ गए उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुँचा रहे। ऐसा ही कुछ कहना था यहाँ के यूनियन प्रमुख का। आज जो नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं सारी है, इसकी वजह से जो है ना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, क्योंकि अभी इमीडिएटली अभी कोई इन्फॉर्मेशन बायर को हमारे से चाहिए या हमें उससे चाहिए वो मिनटों सेकंडों में ना हो जाती है, तो इस तरह से प्रोडक्शन भी बढ़ी है। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि इस आप नई टेक्नोलॉजी को, वेबसाइट को और इंटरनेट को अपनाएं। आज के दौर में इसके बगैर जो है हम जो है तरक्की नहीं कर सकते। ये जो लोग मेरे साथ बैठे हैं ड्रीम्स इन्फोटेक से, ये एक सहारनपुर पिटारा के नाम से साइट खोले हैं, तो आप इन्हें सपोर्ट करिए, ये हमारी इंडस्ट्री के बेनिफिट में होगा। ये बात तो सच है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज के दौर में हम तकनीक के बिना चल सकते हैं। पिछले दिनों जब आसिफ अपने दोस्त शाजिब खान के साथ सहारनपुर आए तो आने के बाद उनके जहन में ये सवाल घर कर गया कि सहारनपुर में आज भी इंटरनेट तथा वेबसाइट जैसी तकनीकें यहाँ के आम लोगों को तथा एक्सपोर्टर्स को फायदा क्यों नहीं पहुँचा रही हैं। मोहम्मद आसिफ की ड्रीम्स इन्फोटेक कंपनी पिछले कई सालों से दिल्ली जैसे शहरों में काम कर रही है। सहारनपुर में मुनाफा कमाने से ज्यादा इनका उद्देश्य यहाँ तालीम बढ़ाना है। आज अगर हम ये सोचें कि हम तकनीक के बिना अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं तो ये इतना आसान नहीं लगता है। तो आइए मिलकर तकनीक की ओर हाथ बढ़ाएं।